कुकर ने सीटी मारा, इधर अपनी कॉफी ने सीटी मार, उबाल मारना स्टार्ट कर। कितने वैरायटी ऑफ फास्ट फूड आपके यहाँ मिल जाते हैं? लगभग 15 वैरायटी के मिल। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं जाना भूखा ट्रेवल दोस्तों। गाइस अभी हमने मोतिहारी के गांधी चौक से, और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जुगाड़ हमसे है गुरु, हम जुगाड़ से नहीं। तो बिहारी जो है ना भैया, जुगाड़ बैठाने में काफ़ी अलग है, और उसी जुगाड़ का नमूना यहाँ पे अभी दिखने वाला है आपको। तो वो क्या है वो चलिए आपको हम दिखाते हैं, और भैया से भी बात करेंगे कि क्या कुछ अलग तरीके है। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने भैया देख रहे हैं, ये जुगाड़ू भैया, मतलब काफ़ी अलग तरीके का जुगाड़ है इनका कॉफ़ी बनाने का। एक्चुअली इनका जो कॉफ़ी का मशीन है, सबसे पहले आप वो देखते हो, है ना, सरप्राइजिंग, मतलब काफ़ी अलग ही है भाई। ऐसा मशीन मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा था। तो भैया सबसे पहले एक बात करिए, आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया था, मतलब इस तरह की कॉफ़ी मशीन बनाने का? ये पहले से यहाँ पे चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये प्रेशर कुकर से जो कॉफ़ी है, मतलब काफ़ी यूनिक है, हर जगह तो नहीं मिलता है ऐसे बिहार में, सिर्फ मोतिहारी में। स्पेशल बनाते हो या फिर ऐसे बना बनाया आता है ऐसा मशीन वगैरह? नहीं, बनवाते हैं। मतलब ये कितना किफ़ायती है, या फिर उस मशीन के कंपैरिजन की बात करें, उससे कितना ज़्यादा बेटर है, या फिर दोनों उससे बेटर है, उससे किफ़ायती है? अच्छा, और कॉफ़ी का जो टेस्ट आता है वो किस तरह का? काफ़ी अच्छा रहता है और मशीन के मुकाबले। हाँ दोस्तों, तो हम भी भैया को अपना एक कप कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, और भैया अपना बना रहे हैं कॉफ़ी। तो चलिए हम भी देखते हैं कि आगे कैसे प्रेशर कुकर से कॉफ़ी बनाया जाता है भाई, मतलब काफ़ी यूनिक है। चलिए आपको भी दिखाते हैं और टेस्ट कराते हैं आगे कॉफ़ी को। गैस ऑन किए यहाँ, ये कुकर में पानी है, ये प्रेशर से बनाएगा। अच्छा। बाकी दूध और कॉफ़ी यहाँ पर मिलाया हुआ। अच्छा, यहाँ कप में डाला जाएगा, उसका चॉकलेट पाउडर मिला जाएगा। कुकर के अंदर पानी है, उससे जो स्टीम बनेगा उस पाइप के थ्रू निकलेगा, और उससे आप बनाओगे, है ना। जैसे तो काफ़ी सिंपल है, और साइंस, मतलब साइंस का जो नॉलेज है यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने भैया ने यूटिलाइज किया है। जो भाप निकलेगा उसको डायरेक्ट वहाँ पे कॉफ़ी मशीन में डाल देंगे। और भैया मतलब प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या वो जो पेचकस आपने लगाया है? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उससे जो भी जितना प्रेशर डालना हो जग में उससे हिसाब से डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर नॉब जो है वो भी लगा रखा है इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो उधर कुकर ने सीटी मारा, इधर अपनी कॉफ़ी ने सीटी मार, उबाल मारना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो जैसे किस तरीके से प्रेशर को, एंड यहाँ से भैया कंट्रोल कर रहे हैं जो प्रेशर है कितना देना है, एंड उसी स्टीम से यहाँ पे कॉफ़ी बनाई जा रही है। और इसका टेस्ट भैया ने बताया कि काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छा आता है मशीन के मुकाबले। चलिए हम भी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ खासा टेस्ट आता है इसका मशीन के मुकाबले, क्योंकि मशीन वाली कॉफ़ी तो भैया सब पीते हैं, ये पियो तो जान। जी हाँ, यहाँ पे एक सर है हमारे जो बता रहे हैं इस कॉफ़ी को, क्या बता रहे थे सर? अभी सस्ता भी है और टेस्टफुल भी है, मतलब मशीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग। हाँ अच्छा, यही तो गाइस यहाँ अपना कॉफ़ी आ चुका है, तो चलिए पीते और बताते हैं वो क्या कुछ खासा टेस्ट है इस कॉफ़ी का। जी दोस्तों, मैंने भी अभी अपनी एक सिप लिया और काफ़ी अलग टेस्ट है, मतलब मशीन वाला कॉफ़ी तो मैं जनरली पीते रहता हूँ, शादी वगैरह हो गया या फिर नॉर्मल, बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहा। जी हाँ, उस टाइप का नहीं आता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल सा लगता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो बिजली पे चलती है, एंड ये नेचुरल स्टीम जो आता है जो कुकर का है उसका है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट अलग होना ही है। ठंड के मौसम में तो आप लोग अक्सर आते होंगे यहाँ पे? रेगुलर हम लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ के, क्योंकि इतना ज़्यादा फैन है यहाँ के कॉफ़ी के और जगह से। बहुत बेहतरीन। जी दोस्तों, अपने मोतिहारी फूड को कंटिन्यू करते हुए अभी मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन रोड के मनसा माई मंदिर के ठीक सामने, ओम शांति ओम फास्ट फूड कॉर्नर के पास। एंड जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि फास्ट फूड काफ़ी लजीज मिलता है, एंड सारे वैरायटी ऑफ फास्ट फूड यहाँ पे काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ फास्ट फूड को, बताते हैं आपको क्या कुछ खास लजीजियत है इनके फास्ट फूड में। चलिए फिर भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। तो कब से दुकान है यहाँ पे आपकी? ये आपको 2012 से है। कितने वैरायटी ऑफ फास्ट फूड आपके यहाँ मिल जाते हैं? लगभग 15 वैरायटी का मिल जाएगा। आप थोड़ा दो चार के नाम अगर आप बता दे तो? बिल्कुल बता देंगे, चाट, चाउमीन, बर्गर, मोमो, पास्ता, मंचूरियन, पाव भाजी, पनीर चिली, स्प्रिंग रोल। बाकी आपका प्राइस लिस्ट है कहीं, जैसे हम लोगों को बता पाए कि ये प्राइस वगैरह रहती है उसकी? मतलब कि चाट 20 का है जी, चाउमीन 20 का है, तो ये बर्गर आपको 20 का, मतलब 20 स्टार्ट है सब। हाँ। जितना आपको रेंज का चाहिए जी जी सब मिल जाएगा। जी दोस्तों, बाकी जो है रेंज है नॉर्मली 20, 25, 30 ऐसे स्टार्ट है, बाकी उसमें जो भी आप ऐड करते जाओगे पनीर चीज़ वगैरह, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस रेंज वेरी करती है। एंड बाकी लोग देख लो भाई साहब कितना ज़्यादा मशहूर है ये दुकान, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये लोग हैं देख सकते हो, काफ़ी अभी शाम का टाइम है, लोग काफ़ी लगे पड़े हुए हैं यहाँ पे अपने ऑर्डर प्रिपेयर करवाने में। एंड भैया अभी 3-4 लोग ऐसे हैं,
एंड सबके सब यहाँ ऑर्डर प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। एंड अभी भैया अभी आप क्या बना रहे हो? ये पनीर चाउमीन बनता है जी हाँ दोस्तों, तो अभी पनीर चाउमीन भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड सबसे बेस्ट वन जो और बात करें ओम शांति ओम फास्ट फूड की, जिससे लोग काफ़ी खाना पसंद कर रहे थे, एक वो डिश क्या हो सकता है? वही है आपको चाट, चाट है चाट, उसके बाद बर्गर, उसके बाद में चाउमीन, उसके बाद और सब आइटम्स। तो मतलब अभी हम अभी आप हमको क्या खिला रहे हो? मतलब बस आपको चाट बना के खिला दे रहे हैं। चाट खिला रहे हैं जी हाँ दोस्तों, भैया ने बताया कि इनका चाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग काफ़ी चाव से खाना पसंद करते हैं। चलिए हम भी टेस्ट करते हैं इनके चाट को और बताते हैं आपको क्या कुछ खास लजीजियत है इनके चाट डे भैया बना दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भैया यहाँ पर चाट लगाना है, ये कचौड़ी कर दी है, ये कचौड़ी है, ये आपका पापड़ी है, ये आ गया अपना पापड़ी है, छोला आएगा, खट्टा चटनी, खट्टा मीठा सब है, मीठा चटनी, मीठा चटनी है, ये दही है, काला नमक, लाल मिर्चा, सेव, प्याज, काफ़ी सिंपल एंड सोवर टेस्ट है, बिल्कुल आर्टिफिशियल मसालों का इन्होंने यूज़ नहीं किया है। काफ़ी ज़्यादा इसे टेस्ट इन्हांस करने के लिए जो भी नेचुरल मसाले हैं, जो भी जो नॉर्मल मसाले वगैरह आते हैं वही इन्होंने डाला है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाट का जो नेचुरल टेस्ट होता है वो हल्का खट्टा मीठा दोनों होता है, और इस चाट में दोनों आपको मिलने वाला है, काफ़ी बेहतरीन। कैसा है चाउमीन पहले ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब रेगुलर यहीं खाते हो या फिर कहीं कहीं खा लेते हो? नहीं, यहीं पे, यहीं पे। चाउमीन के अलावा और कुछ क्या कुछ खाना पसंद करते हो आप? कभी एक बार बर्गर खाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा था। नॉर्मली आते रहते हो या फिर कभी कभार आना? नहीं, मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ, लेकिन नॉर्मली ये नहीं खाता हूँ। अच्छा, नॉर्मली ये नहीं। और बात करें यहाँ पे बेस्ट वन की, जो आपको सबसे बेटर लगता है यहाँ पे खाना, वो क्या होता है? मुझे चाट खाना यहाँ बहुत पसंद है। चाट यहाँ जैसे बताया, चाट यहाँ काफ़ी हाँ बहुत अच्छे बनाते हैं चाट ये लोग, चाट और साथ में बर्गर भी। आप भी कभी खा के देखो, बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कभी इधर आ रहे हो तो चाट और साथ में बर्गर वगैरह जरूर ट्राई करो, खासकर चाट तो इनका काफ़ी फेवरेट है। भैया आपका क्या नाम हुआ? अक्षय कुमार। तो मतलब आप भी यहाँ पे मतलब अभी रेगुलर आते हैं, कभी कभी आना होता है? चाट और बर्गर। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे हैं उनके लिए चाट और बर्गर जो है ना, मतलब भाई बढ़ एक से बढ़कर एक, काफ़ी खाना पसंद करते हैं और काफ़ी चाव से लोग खाते हैं, और कितना ज़्यादा पसंद है मोतिहारी में ये हो तो आप मेरे पीछे लगे भीड़ को देख पता कर ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो करते हैं खत्म। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आप हमारे वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक करो, शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब कर देना, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो अपने टाइमलाइन पर शेयर करो, अपने भाई को टैग करो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा।